fast unto death because they believe that if the government can give land for SRA purposes, sir, where is the families? From all government sections, departments, they are all there. सरकारी महकमे के बिल्कुल जो ये कह रहे हैं कि भाई अगर आप SRA के लिए जमीन दे सकते हैं, IAS officers के लिए अगर एकर्स आपने SRA को दे दिया है, encroachment उनको free कर देने के लिए 120 acre में से 30 acres जो given, this 3,500 families just want 15 acres for their self redevelopment. वो self development करेंगे. And six CMs have gone past and nobody is interested. And Pradeep ji, किसी को interest नहीं. Isn't that unfortunate? It is the most unfortunate thing I've ever heard. Of course it is. आप slum dwellers को झोपड़पट्टी वासी, वो भी हिंदुस्तान के नागरिक है, मैं मानता हूँ. लेकिन उन्होंने कानूनन जो काम किया है वो गैर कानूनी है. एनक्रोचमेंट करी, अतिक्रमण किया है. Who have been living illegally, आपने उनको इनाम दिया है, रिवॉर्ड किया है उनको स्लम रिहेबिलिटेशन के लिए. और ये जो सरकारी मुलाजिम हैं, सरकारी एम्प्लॉयज जो हैं, जिन्होंने 25-25 30 साल अपनी जिंदगी के लिए ऑनेस्टली सरकार की जिन्होंने सेवा करी है, उनको आप नजरअंदाज कर रहे हैं. और ऐसा नहीं कि आपने नहीं दिया है, IAS ऑफिसर्स को दिया है ना आपने, आपने वहीं पर दिया है, IAS ऑफिसर्स को दिया है. एंड दिस वे रेडी टू पे, ये लोग पैसा देने को तैयार है. बीडीडी चाल में आपने एक्सपेरिमेंट किया, आपने पुलिस के जो कर्मचारी वहां पर रहते थे उनको घर दे दिया 500 स्क्वायर फीट 2 BHK एंड यू रिड्यूस द कॉम्पेंसेशन टू 15 लाख, 15 लाख ले लो, 500 स्क्वायर फीट ले लो. तो यहां पर देने में क्या तकलीफ है? करेक्ट. 120 एकर्स ऑफ लैंड, 30 एकर्स फॉर एनक्रोचर्स, दीज पीपल आर आस्किंग ओनली 15 एकर्स. आप 15 कर दीजिए. और उन्होंने ये कहा है, शायद उन्होंने ये भी कहा है कि हम लोग खुद डेवलप कर लेंगे, खुद डेवलप कर लेंगे. एंड गवर्नमेंट जस्ट हैव टू गिव लैंड. So this is an appeal to the Chief Minister. मुख्यमंत्री जी, एकनाथ शिंदे साहब, आप इसमें जरा हस्तक्षेप कीजिए प्लीज. ये आप ही कर सकते हैं, वेरी फ्रेंकली स्पीकिंग. लेकिन आज अगर शिंदे साहब चाहें तो अभी भी 2 मिनट में हो सकता है. तो प्रदीप जी, यू वांट टू गिव एन इंट्रोडक्शन as to what we are about to see? अभी जस्ट सिंग बांद्रा ईस्ट में वहां के सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉइज क्वार्टर्स के एसोसिएशन बना है, वो भूख हड़ताल पे बैठे हैं टू हाईलाइट That election से पहले प्लीज हमको MOU साइन करके ये लैंड हमें अलॉट कीजिए. Either you develop for us, we are ready to pay compensation. That's a small appeal to the Chief Minister of Maharashtra. I hope he listens. Let's see that. Let's take a look. Yes. Let's take a look at what Pradeep did today. All the government employees are there outside the collector's office, and some of them are sitting on a fast unto death. Can we take a look at it, please? Now I'm Pradeep Nambiar. As we always say, in every system there has to be a congruence between the way people make wealth and the way they govern themselves. If the economic and political systems are dissimilar, one will eventually destroy the other. We are here in Kherwadi, the government colony. They are all fighting for their homes. They want their homes. We talk to the AAP Adhyaksh. Aap jara introduce kara de apne aapka pura naam aur sir me Shashke Vasati cha असोसिएशनचा अध्यक्ष आहे आणि आम्ही गेले इथे 2 पिढ्यापासून या शासकीय वसाहतीमध्ये राहतो. दोन पिढी आणि आमच्या शासकीय वसाहतीला 63 वर्ष झालेली आहे. येस येस. आणि आता आमच्या शासकीय वसाहतीचा पुनर्विकास होतोय. येस येस. तर आमची अशी मागणी आहे की या पुनर्विकासामध्ये आमचे जे सभासद आहेत त्या लोकांना मोफत नाही, माफक दरात आम्हाला घर द्या. तुम्ही इतर लोकांना IAS असो, IPS असो, यांच्या तुम्ही गृहनिर्माण संस्थेच्या यांना माफक दरात भूखंड देता, मग आम्हाला तुम्ही का देत नाही? मुख्यमंत्र्यांनी दोनदा बैठक घेऊन एकनाथ शिंदेजी यांनी आमच्या 3 बैठका घेऊन आदेश दिले अधिकाऱ्यांना, पण अधिकारी प्रत्येक वेळेला काही ना काहीतरी नियम आटी लावून आम्हाला त्याच्यामध्ये खोडा घालतायत. त्याच्यामुळे येणाऱ्या निवडणुकीच्या पूर्वी आमचा निर्णय लागावा म्हणून आमच्या महिला आणि आमचे बंधू शासकीय कर्मचारी हे आमरण उपोषणाला बसलेले आहेत. ती मुख्यमंत्र्याचा आदेश पण अधिकारी मानत नाही आहे. ना एक तुम्ही सांगितलं की बीडी चॉल मध्ये कसं 15 लाख घेऊन तुम्ही पेमेंट करायला पण तयार आहेत, असं सरकारने सांगितलं, एक थोडीशी पेमेंट करा ते पण तुम्ही तयार आहात? आम्ही सगळं साहेब करायला तयार आहोत. जसं तुम्ही बीडी चाळीला पहिला 50 लाख सांगितलं, मग 25 लाख सांगितलं, नंतर 15 लाख सांगितलं, तसं आम्ही असं म्हणत पण नाही तुम्ही आम्हाला घर देत नाही ना, आम्हाला तुम्ही भूखंड द्या, आम्ही आमचं डेव्हलपमेंट करू. तुम्ही आता नुकतंच चर्मकार लोकांना पण दिलात, डबेवाल्यांना पण दिलात, गिरणी कामगारांना पण दिलात, परंतु आम्ही तुमचे शासकीय कर्मचारी ज्या तुम्ही योजना राबवता त्या आम्ही खालच्या तळागाळापर्यंत पोहोचवणारे कर्मचाऱ्यांकडे तुमचं लक्ष नाही, मग आम्हाला या सरकारचा निषेध करण्यासाठी आमरण उपोषण करावंच लागणार साहेब. पॉझिटिव्ह आहे, तुम्ही सांगता एकनाथ शिंदेची पॉझिटिव्ह आहे, ते पॉझिटिव्ह आहेत. आणि
अधिकारी आपल्या लोकांचे जे जवळजवळ जे आहेत आयपीएस लोक आहेत ते आपली संघटना करतात सोसायटी करतात आणि आमच्या ह्या 341 सर्वे नंबर मध्ये 12 सोसायट्या त्यांच्या आहेत सर्वे नंबर मध्ये सर्वे नंबर आहे त्यामध्ये यांच्या स्वतःच्या 12 सोसायट्या आहेत. ओके, म्हणजे आम्हाला देताना हे धोरणनी अटी दाखवतात, स्वतःला घेताना धोरण अटी काही नसते. डबल स्टँडर्ड नको पाहिजे, त्यांना दिला तर आम्हाला पण द्या. तुम्ही फक्त लँडच मागत, लँडच मागत त्यांनी. ऑलरेडी आय एस जो सिनियर ऑफिसर्स आहे उनके ऑलरेडी है, मगर नॉर्मल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज है उनको नहीं दे रहा सरकार बार बार इनके अपील करने के बावजूद. एक तरीके से ये मतलब पार्शलिटी हो रही है, क्योंकि देखिए ऐसा है ना, कोई भी सरकार जो है वो आईएएस ऑफिसर ही चलाते हैं. बिल्कुल, है ना. यस, और आईएएस ऑफिसर चलाते हैं इसका मतलब ये नहीं है कि वो सिर्फ अपना भला करे. बिल्कुल, तो उनकी जिम्मेदारी बनती है कि उनके अंडर में जो स्टाफ काम करता है, बिल्कुल, जो सेकंड का इसमें आता है, सेकंड में या सेकंड क्लास हो या फोर्थ क्लास है, जो भी क्लास है, वो सभी के लिए उन्होंने सोचना चाहिए. और एक हैरानी की बात यह है कि इतने बड़े प्लॉट में सिटी सर्वे नंबर जो 341 है इसमें 12 सोसाइटी आईएएस ऑफिसर की है. एक बहुत बड़ा स्कैम ऐसा लग रहा है ये तो. बिल्कुल, मैं और दूसरा इसमें सर कि ये पहले लैंड है ना 135 एकड़ की थी, अभी इसमें इंक्रोचमेंट 40 एकड़ हो गया है यहाँ पे. और वो 40 एकड़ में झोपड़पट्टी वाले और 800 दुकान वाले उनको तो मिल गया, उनको डेवलपमेंट में फ्री में दे रहे, फ्री में दे रहे, और हम लैंड की कॉस्ट दे रहे तो हमको नहीं दे रहे. नहीं नहीं, ये देशपांडे जी आप भी कुछ बोलना चाहेंगे, बिकॉज ये क्या है, ये आप इतने साल सर्विस किए, गवर्नमेंट एम्प्लॉय बनके महाराष्ट्र स्टेट का सर्विस किए, अब जब घर देने वाली बात है तो पार्शियलिटी हो रहा है. आप काम किए मगर आपके जो आईएएस आईपीएस है उनका करीबन इतने बहुत सारे सोसाइटीज है, मगर जब आपको देने वाली बात है तो सरकार ने बार वेद है कि स्लम रिहैबिलिटेशन को भी मिला, जो इलीगल एनक्रोचमेंट करने वाले स्लम ड्वेलर्स को एसआरए इसी प्लॉट में बना के दे दिया है. बोलिए, सभी को बांट रहे हैं, सिर्फ हमारा मौका आता है तो दरवाजे बंद हो जाते हैं. और हर बार हम लोग कहते हैं, हर बार कोई ना कोई सिर्फ आश्वासन देते हैं, आगे कुछ भी नहीं होता है. लेकिन आईएएस ऑफिसर ने ले लिया, एसआरए वाले को आपने दिया, वो बिना मूल्य दे दिया, वो हमारे सामने, हम लोग सिर्फ व्हाइट शर्ट पहनते हैं लेकिन अंदर से हम बहुत मुसीबत में. जब कॉलोनी से कोई जाता है तो रोकर ही जाता है, क्योंकि कोई घर होता नहीं है. जाओ बदलापुर विरार, वो भी भाड़े पे जाओ, लेकिन हम लोग जिंदगी भर गवर्नमेंट की सेवा करते हैं, लेकिन रिटायर्ड होते हैं तो हम लोग रो कर जाते हैं. दूसरी पीढ़ी, तीसरी पीढ़ी, आप तो ये बहुत बुरे हाल है हमारे कि आप कुछ हमें न्याय दे सकते हैं. सरकार के पास जाएंगे हम लोग, सरकार सोसाइटी पाई जाए, घर पाई जाए. बोलिए, कौन कौन पूछेगा, कोई भी बोलेगा. आपका आंदोलन ये इसलिए है कि अगर एसआरए को आपके प्लॉट में दे सकते हैं तो आपने सेवा किया, मराठी में तो सांगत हुई, आपने सेवा किया है, सरकार ने सरकार महाराष्ट्र स्टेट का सेवा किया है, मगर आप ही के दूसरे वर्ग को ऑलरेडी दे चुका है तो आपको क्यों नहीं देना चाहिए. आप यहाँ तक स्लम ड्वेलर्स को भी दिया है आपने. बोलिए, तो हम लोग को आम्हाला हेच बोलायचं, मुख्यमंत्र्यांना 8 मुख्यमंत्री होऊन गेले पण एका पण प्रत्येक वेळी इलेक्शनच्या वेळी आम्हाला येऊन आश्वासन देतात की आम्ही तुम्हाला घरं देऊ. एवढे आम्ही आता मागील 7-8 म्हणजे 20 वर्षापासून आम्ही आंदोलन करतोय, 7-8 आंदोलन झाले आहेत, पण प्रत्येक आंदोलनात फक्त आम्हाला आश्वासन दिलेले आहेत. त्यासाठी आता आम्ही म्हणजे एकच निर्णय घेतला आहे, अमरण उपोषण. जोपर्यंत आम्हाला मंत्रिमंडळामध्ये अधिवेशन लिहून देत नाही की बाबा तुम्हाला आम्ही मालकी हक्काचे घर देतो, तोपर्यंत आम्ही इथून उठणार नाहीत. अमरण उपोषणासाठी आम्ही 5 जण इथे बसलेलो आहोत, जोपर्यंत लिहून मिळणार नाही तोपर्यंत आम्ही इथून उठणार नाहीत. आपलं नाव काय? टीना कदम. टीना कदम, दुसरे पाच दुसरे कोण आहे? तुम्ही सांगा सांगा. आता इथे आम्हाला कळलं, जर झोपटपट्टी वाला इलिगल आहे त्यांना तुम्ही देऊ शकतो तो गव्हर्नमेंट एम्प्लॉईज सेवा करतात, व्हाय नॉट फॉर यू, सांगा. हा मग तेच आम्ही विचारतोय, मग आम्हाला काय नाही आता झोपडपट्ट्या बांधतात, मग आम्ही बांधू का इथे झोपडपट्ट्या, आणि आम्ही झोपडपट्ट्या बांधल्यावर तुम्ही आम्हाला द्याल का? मग तसं पाहिजे तर आम्ही तसं करतो. शिवाय आता मुख्यमंत्र्यांची नवीन लाडकी बहीण योजना 2-3 महिन्यापासून जी चालू आहे ते बहिणींसाठी करतायत, मग आम्ही विचार केला चला आम्ही पण मुख्यमंत्र्यांच्या बहिणी आहेत, मग आम्ही आता उपोषणाला बसलोय, मुख्यमंत्र्यांनी यावं आणि आम्ही पण बहिणी आहे तर आम्हाला बहिणींना द्यावे घरं. पण ही अशीच घरं नाही, त्यांनी मंत्रिमंडळामध्ये तिथे आमच्यासाठी खास एक अधिवेशन किंवा खास एक हे बोलवावं आणि तिथे लेखी लिहून द्यावं की आम्ही तुम्हाला इथे आम्ही फुकट मागत नाही, आम्हाला कमी दरामध्ये घरं पाहिजेत, माफक दरामध्ये.
ते आम्हाला मुख्यमंत्र्यांनी लाडक्या बनवले सरकारने केलेलं आहे ऑलरेडी केलेलं आहे तिथे लोक भरायला पण तयार होतो आता आताच बीडीडी चाळीमध्ये ते झालंय तुम्ही म्हणताय तसं शिवाय ह्यांना देतायत आपल्या डब्बेवाल्यांना देतायत कर्मचारी हां चर्मकार यांना देतायत बऱ्याच लोकांना देतात मग आम्हीच काय घोडं मारले गिरणी कामगारांना दिलंय मग आम्हालाच का नाही का आम्हाला शासन एवढं सारखं दूर ढकलत जातंय तोच आम्हाला शासनाला आम्हाला विचारायचंय का आमच्यावर एवढी काय आहे त्यांची अरे तिसरे कोण आहेत तिसरे हां पासलं आप अभी इस तरफ आइए आपका नाम क्या है तुमचा नाम नंदकिशोर मीराशी नंदकिशोर जी तुमचा डिमांड लेजिटिमेट आहे कारण सेवा केलेला आहे महाराष्ट्र शासनाचं आणि झोपडपट्टी धारा इलिगल ऑक्युपेंट्सला तुम्ही जर एसआरए मध्ये प्लॉट देतात व्हाय नॉट यू तुम्हाला ते सर आम्ही जवळजवळ शासनाच्या जवळजवळ 30 ते 35 वर्ष सेवा करतो आणि आज आमची जवळजवळ 2 पिढ्या झाल्या इथे 2 पिढ्या झाल्या तर इथे आम्ही राहतोय तर आम्हाला काय नाही जर तुम्ही परप्रांतीयांना वगैरे देण्याबद्दल काय नाही पण आम्हाला द्या तुम्ही आम्ही मालकी हक्काची घरं मागतो मोफत नाही कट आहे माफक दरात द्या आणि आता आम्ही एक ठाम निर्णय घेतला सर्वांनी रहिवाशांनी इथल्या की जोपर्यंत आम्हाला तुम्ही कॅबिनेटमध्ये लेखी पत्रासहित देत नाही तोपर्यंत आम्ही हा इथलं जे आंदोलन आहे ते उठवणार नाही असा ठाम निर्णय घेतलेला आपण कोण आहेत आपलं नाव माझं नाव चंद्रशेखर इर्लोस्कर चंद्रशेखर हा बोला ना तुम्ही काय म्हणतो आमतो आय एस ऑफिसरांना इथे आमच्या इथे आय एस भूखंड देतात तर सात आठ भूखंड आहेत इथे आय एस ऑफिसर मंत्र्यांचे पण भूखंड आहेत मग आम्हाला आम्ही पण भूखंड मागतोय भूखंड मागून माफक दरात आम्ही पैसे गव्हर्नमेंटला देणार आहोत आम्ही द्यायला तयार आहोत मग आम्हाला का नाही देत तुम्ही सोसायटीला जागा असं पण मला सांगत की आम्ही सोसायटीला आम्ही पूर्ण कॉलनी मागतोय आमची काही एकरची मागणी हे आहे मग ती तुम्ही मागणी का ना आमची पूर्ण करत किती एम्प्लॉईज आहे तुम्ही किती मागतो कमीत कमी 3,500 आमचे मेंबर आहेत इथे 3,500 फॅमिलीज असणार हा फॅमिलीज आहेत मग ते तुम्ही त्यांना का ना देत ओके हा त्यांना भूखंड देऊन तुम्ही आम्ही तुम्हाला पैसे देणार आहोत आम्ही फुकट मागत नाहोत माफक दर आम्हाला टोटल एरिया किती आहे बिल्ड अप ते बिल्ड करणार आहे आता जवळजवळ 35 एकर येणार सगळी झालेली हे अनधिकृत बाकीची राहिलेली आहे 95 एकर मध्ये 30 एकर हायकोर्टला दिली आहे बाकीचे एकर जे आहे त्यातले आम्हाला काही ठराविक एकर आहे आम्हाला ती द्या ना तुम्ही त्यासाठी आम्ही तुम्हाला पैसे देतोय माफक दरात मग तुम्ही आम्हाला का ना देत ती मग याच्यासाठी तर आम्ही आज आमरण उपोषण बसलेलो आहे जोपर्यंत आम्हाला कॅबिनेटमध्ये तुम्ही मंत्री सहीचे निषेध देऊन देत नाही तोपर्यंत आम्ही मागे हटवणार नाही एमओयू साइन करावा लागेल अध्यक्ष जी तो अभी सरकार की तरफ से क्या आपको लग रहा है सरकार जैसे एकनाथ शिंदे जी हमने देखा कि बहुत कोऑपरेटिव आदमी है बराबर वो हर चीज के लिए कोऑपरेट करते हैं नहीं एकनाथ शिंदे साहब ने हमको 3 बार अभी 6 मुख्यमंत्री जैसे हमारी बहना ने बोला कि 6 मुख्यमंत्री हो गए 6 मुख्यमंत्री हर एक बोलता है सकारात्मक हर एक ने हमारे अधिवेशन में उसका आवाज उठाया है लेकिन किसी ने अब तक फाइनल कुछ किया नहीं लेकिन ये मुख्यमंत्री आने के बाद 3 बैठक हमारी हो गई अभी 16 तारीख को हो गई है उसमें भी उसने बोला कि इनको भूखंड दे दो लेकिन जैसे साहब ने बोला कि आईएएस अधिकारी अपने लिए धोरण और अपने लिए नियम नहीं रहता वो हमारे लिए वही ऑब्जेक्शन उठा रहे इसमें और कुछ नहीं है यही बात शासन के कान में जाने के लिए हमारी महिला और हमारे बंधु आमरण उपोषण के लिए बैठे हैं तो यहाँ पर उद्धव जी भी थे वो भी सीएम थे आप कुछ बोलना चाहोगे यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन दिया था आपने नहीं देखो सर कैसा आपने कहा कि छह चीफ मिनिस्टर हो गए कैसे है सर हम हैं गवर्नमेंट सर्वेंट बिल्कुल हमको किसी के आलोचना नहीं हम किसी की आलोचना नहीं करते हैं सब लोग हमारा कोई पक्ष नहीं होता है गवर्नमेंट सर्वेंट को कोई पक्ष नहीं होता है जो सत्य में है वो हमारे माए बाप रहते हैं लेकिन जो हमारे सत्य में आए वो सब माए बाप ने हाँ हाँ किया है अभी आज एकनाथ शिंदे सर है तो हमारी आशा है कि 1-2 दिन में हमारा कुछ ना कुछ हमारे बहना और हमारे भाई है कुछ ना कुछ होगा ऐसे हमको आशा लग रही है कितना एकर है टोटल अभी देखो सर 135 था उसमें 135 था उसमें 35 एकर के अभी 95 एकर में से 95 एकर में से 30 एकर हाईकोर्ट को दे दिया अभी पूरा हाईकोर्ट हो गए 65 एकर यहाँ पे जगह बची हुई है सर 65 एकर बची हुई है उसमें कुछ हमारे गवर्नमेंट क्वार्टर्स होंगे तो भी उनके पास 40 एकर जगह बच जाती है बिल्कुल हमारा कहना हमको 15 एकर चाहिए और आपको कुछ डेवलपमेंट करना आप कर सकते हैं ना आपको सिर्फ 15 एकर चाहिए हमको खाली 15 एकर चाहिए और सरकार ने पहले ऐसे किया भी है किया है बहुत सोसाइटी को किया है हमने देखा कि बहुत सारे जगह पर सरकार ने किया जैसे आपने किया बहुत सारे इंस्टीट्यूशन को दिया है और इंस्टीट्यूशन को छोड़ दो अभी बाहर का तो छोड़ दो सर हमारे ये 341 सर्वे नंबर है यहाँ पे 12 सोसाइटी को दिए है 12 कोई स्कूल को दी है कोई कम्युनिटी सेंटर को दिया और खुद
अपने गृह निर्माण सोसाइटी को भी दी है। ओके, तो उनके लिए नियम और धोरण नहीं है, हमारे लिए नियम और धोरण है। 3,500 फैमिलीज है, 3,500 फैमिली आप चाहते हो एकोमोडेट कर ले सरकार। हाँ। और जैसे हम लोग देखते हैं, वेलकम टू द एंड ऑफ प्रोग्राम, जैसे हम लोग देख रहे हैं कि सरकार, जहाँ एकनाथ शिंदे जी, हमने देखा कि बहुत सारे इस चीज के लोग प्रो रहते हैं, ऐसे जितने भी सर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हो, कोई भी ऐसे प्रोजेक्ट हो, वो प्रो रहते हैं, वो करना चाहते हैं, वो मदद करना चाहते हैं। आपका तकलीफ है कि IAS ऑफिसर्स कुछ उसमें रिमार्क्स पास कर रहे हैं, उसको रोकने का कोशिश कर रहे हैं। देशमुख जी आप आइए, लास्ट फाइनल वर्ड आपसे समाप्त कर लेते हैं, बिकॉज क्या है, हम लोग चाहते हैं कि ये सर्वसहमति से हो जाए, सब लोग इसमें, और कोई 3,500 फैमिलीज को देना कोई बड़ी बात नहीं है, सरकार का कुछ खर्चा नहीं है इस सारे में, बिल्डर आया उनको एक्स्ट्रा FSI मिले, जैसे बगल में धारावी प्रोजेक्ट हो रहे हैं, सबको अकोमोडेट कर रहे हैं, बिल्डर्स को FSI दे रहे हैं, सरकार को कोई नुकसान नहीं है, सरकार उसमें पैसा कमाएगा, तो अल्टीमेटली कहाँ आपको लग रहा है कि ये खत्म होने वाला, बिकॉज ये प्रोजेक्ट तो हम लोग कल ही CM के पास लेके जाएंगे। देखिए, सबसे पहली बात तो ऐसा है ना, इसमें सरकार की इच्छा शक्ति होनी चाहिए, है ना, दे तो सकते हैं लेकिन दे भी नहीं रहे हैं। Okay. जो भी सरकार आती है वो इनके भावनाओं से खेलती है। अभी आपने देखा होगा, सभी ने ये सवाल किया है कि झोपड़पट्टी में रहने वाले लोगों जो एनक्रोचमेंट करते हैं उनको भी मिला है। उनको आप घर दे रहे हो, फुटपाथ के रहने वाले लोगों के लिए आप अगर मतलब घर दे रहे हो, तो फिर ये जो 30 साल 32 साल मतलब सर्विस देते हैं, ये सेवा करते हैं इस राज्य की, है ना, लोगों की सेवा करते हैं, बिल्कुल, और वो भी फोकट में घर नहीं मांग रहे, 20-25 साल से यही पर रह रहे हैं, मुफ्त में घर नहीं मांग रहे हो, रेडी वो आपसे मतलब एक कंस्ट्रक्शन कॉस्ट लेकर घर मांग रहे हैं, तो घर देने में मैं समझता हूँ कोई एतराज नहीं होना चाहिए सरकार को, लेकिन सरकार की नीयत देने की होनी चाहिए। अब वो उसमें रुकावट IAS ऑफिसर डालता है वो, या CM का काम है देखना, उसको हटाना, बिकॉज आप स्लम डेवलप, इतने बड़े धारावीर स्लम डेवलपमेंट हो रहा है, उस वहां पर किसी से कुछ पैसा नहीं ले रहे, ये तो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज है, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज बहुत कम एकर्स मांग रहे हैं 3,500 फैमिलीज को रीसेटल करने के लिए। They want the government to act. We come to the end of program. As you say, we began with, in every system, there has to be a congruence between the way people make wealth, they govern themselves. If the political and the economic systems are dissimilar, one will eventually destroy the other. But we hope Eknath Shinde ji, Chief Minister of Maharashtra, will hear the plea and act positively before the elections are announced, so that they have an agreement, ek MOU sign karte hain, aur aapko aapka rightful ghar mile. That's all from Pradeep Nambiar. Nation Now, we'll come again with more news. Bye for now.